स्टूडेंट्स, दिस इज प्राची। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्राइंगल्स। वी नो दैट देर आर 5 क्राइटेरिया जिससे हम ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव करते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले एस ए एस, नंबर टू ए एस ए, नंबर थ्री ए ए एस, नंबर फोर एस 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 एंड नंबर फाइव आर एच एस। तो सबसे पहले मैं इनको फुल फॉर्म बता देती हूँ आपको। एस फॉर साइड, ए फॉर एंगल, एस फॉर साइड। तो इसे हम बोलेंगे साइड एंगल साइड। दिस विल बी एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड, साइड साइड साइड। आर एच एस क्या होता है? राइट एंगल। एच फॉर हाइपोटेन्यूज, एस साइड, यानी कि राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। ओके, चलिए शुरू करते हैं विद फर्स्ट वन। तो जब हमें दो ट्राइंगल्स को प्रूफ करना हो कॉन्ग्रेंट, तो उसके लिए हम यूज कर रहे हैं पहला क्राइटेरिया साइड एंगल साइड का। तो ध्यान से देखिए, मान लीजिए ये एक ट्राइंगल है आपके पास ए बी सी, और एक दूसरा ट्राइंगल है आपके पास पी क्यू आर। अब आपको एक साइड गिवन है, ये किसके इक्वल गिवन है? इसके इक्वल गिवन है। और हमें क्या गिवन है कि जो बी सी है वो इक्वल है किसके? क्यू आर के इक्वल है। ठीक है, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। तो हम लिखेंगे क्या? ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाय एस ए एस। अब इसका मतलब समझिए, इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो ए बी सी पता चल रहा है कि हमें लिखना कैसे। पहली बात तो ए बी इक्वल टू पी क्यू, बी सी इक्वल टू क्यू आर। तो हमने ए बी इक्वल्स टू पी क्यू, बी सी इक्वल्स टू क्यू आर, इस तरह से तो हमें पता चल गया कि हाँ ये ट्राइंगल हमें ऐसे लिखना है। अब ये एस ए एस क्यों लग रहा है? ध्यान से देखिए, साइड एंगल साइड, यानी कि दो साइड्स के बीच में एक एंगल है, और ये दोनों साइड इक्वल है और ये एंगल भी इक्वल है। देखिए एस एस, बीच में क्या है? ए। तो एस ए एस, ये क्राइटेरिया है इसका। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हमें दो ट्राइंगल्स गिवन है और उन दो ट्राइंगल्स की कोई भी दो साइड्स एंड उन साइड्स के बीच में बनने वाला एंगल इक्वल हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होंगे बाय एस ए एस क्राइटेरिया। सिमिलरली अगर ए एस ए की हम बात करते हैं, इसके लिए मैं फिगर ड्रॉ कर रही हूँ, ये मैंने फिगर ड्रॉ कर ली। अब जैसे आपको फर्स्ट से पता चल रहा है कि दो साइड के बीच में एक एंगल है, यहां से हमें क्या पता चल रहा है? दो एंगल के बीच में एक साइड है, यानी कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, और ये साइड इस साइड के इक्वल है। तो हम क्या लिख सकते हैं? लिखेंगे तो वही कि ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर, लेकिन कौन सा क्राइटेरिया है? बाय ए एस ए। वट इज ए एस ए? दिस इज एंगल साइड एंगल, यानी कि दो एंगल्स के बीच में एक साइड, जो तीनों के तीनों क्या है? इक्वल है। तो दिस इज ए एस ए। नेक्स्ट आता है आपके पास ए ए ए, सॉरी ए ए एस। अब ए ए एस क्या है आपके पास? फिर से फिगर बनाते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये पहले नाम ले देते हैं ए बी सी एंड पी क्यू आर, यानी कि अब दो एंगल तो हैं लेकिन जरूरी नहीं है उनके बीच में साइड हो, साइड आपकी अलग भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, और साइड कौन सी है? या तो ये या तो ये, इन दोनों में से कोई भी एक साइड इक्वल हो सकती है। ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, और साइड या तो ये इक्वल हो या ये इक्वल हो, बस कौन सी इक्वल नहीं होनी चाहिए, इन दोनों के बीच वाली जो साइड है वो इक्वल ना गिवन हो, तो आप वहां पर लगा सकते हो ए ए एस। अगर ये वाली साइड में इक्वल हो जाएगी तो आप कौन सा लगाओगे? ए एस ए, यानी कि दो एंगल्स के बीच की साइड हो गई तो ए एस ए। अगर वो उस बीच वाली साइड ना हो के कोई बाकी दोनों साइड्स हैं, तो उसे हम क्या लगाएंगे? ए ए एस। तो क्या लिखेंगे? ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाय ए ए एस। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास एस एस एस, दिखने से ही पता चल रहा है कि हमें क्या गिवन है, सारी साइड्स इक्वल हैं।
AB equals to PQ, BC equals to QR, AC equals to PR. तो इसको आप ऐसे ऐसे भी लिख सकते हो, this this ये double double यानी कि ये दोनों equal है, ये triple यानी कि ये इसके equal. तो क्या लिखेंगे, triangle ABC is congruent to triangle PQR by SSS. अब लास्ट वन आता है एंड वेरी इंटरेस्टिंग. सबसे पहले तो राइट एंगल है, तो यानी कि मान लीजिए ये दो ट्राइंगल्स हैं जिस पर राइट है, ए बी सी राइट एंगल है मान लीजिए बी पर. सिमिलरली यहाँ पे भी मैं ड्रॉ कर रही हूँ पी क्यू आर, और यहाँ पर राइट एंगल है क्यू पर. ठीक है, तो राइट एंगल तो हमने ड्रॉ कर लिया. ठीक है, अब वो क्या कहता है, राइट एंगल हो, राइट एंगल है, हाइपोटन्यूज इक्वल हो, यानी कि हाइपोटन्यूज क्या होते हैं, 90 के सामने वाले, यानी कि ये किसके इक्वल हो, इसके इक्वल हो, एंड एक साइड. तीन चीजें हैं, राइट एंगल, हाइपोटन्यूज एंड साइड. साइड का मतलब या तो ये इसके इक्वल हो या ये इसके इक्वल हो, दोनों में से कोई एक साइड इक्वल हो. तो मैं मान लेती हूँ ये वाली इक्वल है, ये वाली इसके इक्वल है. तो तीन चीजें हैं आपके पास, एक राइट एंगल, एक हाइपोटन्यूज और एक कोई भी साइड इक्वल हो. तो हम क्या लिखेंगे, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर, और यहाँ पे क्या लिख देंगे क्राइटेरिया, आर एच एस राइट एंगल हाइपोटन्यूज साइड. तो ये थे आप लोगों के क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्राइंगल्स, देर आर फाइव क्राइटेरियाज. तो पांचों के पांचों हम पढ़ चुके हैं, और ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस होंगे आप लोगों के इन्हीं क्राइटेरियाज के ऊपर बेस्ड होंगे. तो आई सजेस्ट एक बार जरूर अच्छे से ये वीडियो देखें. थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे एग्जाम्पल 1, 2 एंड 3.